हे नमस्ते पीपल, सिद्धार्थ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गोवा के वो बीचेस जो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेंगे आप किसी भी टाइप की वेकेशन की तलाश में हो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप इंडिया में कहीं पे भी होटल्स बुक करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड traveltransoyo.com पे। और हाँ, अगर ये बीचेस के प्रोनाउंसिएशन थोड़े बहुत गलत हो जाते हैं तो प्लीज माफ करना, कमेंट बॉक्स में गालियां मत देना। अब गोवा में दोस्तों ऐसे तो 30-40 से ज्यादा बीचेस हैं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, बट आपके लिए बेस्ट कौन सा है, आपको क्या चाहिए, आपको एडवेंचर चाहिए, आपको रिलैक्स करना है, आपको पार्टी करनी है या आपको अच्छा खाना पीना खाना है, इसी लिस्ट में सबसे पहला जो बीच है उसका नाम है कोरियम बीच। इसको कैरी बीच भी बोला जाता है और ये मशहूर है इसकी शांति के लिए। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं और बहुत कम लोगों को इस जगह के बारे में भी पता है। ये है नॉर्थ गोवा में। सेकेंड जो बीच है उसका नाम है आरामबोल बीच और ये दाबेलियम एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है, आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पे भी अगेन दोस्तों इतने टूरिस्ट नहीं आते हैं, बट अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत शैक्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप शाम को अपना स्नैक्स कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं और ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं होगा। नेक्स्ट बीच का नाम है मॉलजिम बीच और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफकोर्स ये बीच थोड़ा बहुत खाली रहता है, यहाँ तक कि विंटर्स टाइम पे भी यहाँ पे इतने आपको ट्रैवलर्स नहीं मिलेंगे। और ये मशहूर है टर्टल्स के लिए क्योंकि यहाँ पे आते हैं ओलिवर रिडलर टर्टल्स अपने एग ले करने के लिए। अगर आप लोगों को तलाश एक ऐसे बीच की जहाँ पे शैक्स हों, कैफे हों, आप अच्छे से बैठ के खा पी सकें, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा वेगेटर बीच। यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, बट आपको यहाँ पे बहुत सारे कैफेज मिल जाएंगे, शैक्स मिल जाएंगी, आराम से आप यहाँ पे स्विम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं, उसके बाद में रिलैक्स कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बीच है वो सबसे मशहूर बीच में एक है गोवा का, उसका नाम है बागा बीच। यहाँ पे आप दोस्तों शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे पार्टी हब हैं, यहाँ पे क्लब्स मिल जाएंगे आपको और यहाँ पे होती है बहुत ज़्यादा भीड़। तो अगर आपको पार्टी की तलाश है, आपको शॉपिंग करनी है, मसाज करवाना है, जो भी करवाना है, तो आप बागा बीच या उसके आसपास जाके अपने लिए होटल बुक कर सकते हैं या वहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, आपको वहाँ पे बहुत सारे लोग मिलेंगे पार्टी करने के लिए। अंजुना बीच मशहूर है उसके शेक्स के लिए, यहाँ पे आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, खूबसूरत कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, बजट होटल्स मिल जाएंगे, तो अंजुना बीच आपके लिए बेस्ट रहेगा, खासकर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो। अगर आप नॉर्थ गोवा की पार्टी से पक चुके हैं, आपको पार्टीज में नहीं जाना है, तो आप साउथ गोवा के इस खूबसूरत से बीच जिसका नाम पेलोनियम बीच है उसको अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। गोवा का लार्जेस्ट बीच जिसका नाम कैलंगूट है, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आपको यहाँ पे होटल्स मिल जाएंगे हर एक बजट के। आपका बजट 800 रुपये का या 8000 का, आपको यहाँ पे लग्जरी बजट बैकपैकर्स टाइप हॉस्टल होटल्स हर एक चीज़ मिल जाएंगी। कैलंगूट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको ट्रैवलर के हिसाब से, शॉपिंग के हिसाब से वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपको एक जगह पे चाहिए। अगर आपको तलाश है अच्छी फ़ोटोज़ खींचने के लिए तो आप जा सकते हैं कैंडोलियम बीच। अगर आप अपनी फैमिली के साथ में, आपको ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए खासकर कोविड टाइम में, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ आसानी से सिंक्योरियम बीच। इस लिस्ट के आखिरी के कुछ बीचेस हैं जो कि साउथ गोवा में हैं और वहाँ पे बहुत कम भीड़ आती है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इन बीचेस को अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। पहला बीच है दोस्तों मीरामार बीच, देन मजोदार बीच, देन बोगमालो बीच, कोलवा बीच। ये 3-4 बीचेस ऐसे हैं जहाँ पे आपको कम टूरिस्ट दिखेंगे, आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और ख़ास बात ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज मिल जाएंगे, हॉस्टल्स मिल जाएंगे, तो फैमिली के साथ रुकने के लिए, दोस्तों के साथ में रुकने के लिए ये बीच के पास में आपको किसी भी टाइप की तकलीफ़ नहीं आएगी ढूंढने में अकोमोडेशंस। आई होप आपकी नेक्स्ट ट्रिप के लिए ये वीडियो आपको काम में आएगा। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।